परेशान है, दुकानदार परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, बड़े बड़े बचत किए थे, कहा था 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे हर साल। बताइए आपको रोजगार मिले? नहीं मिला ना। 5 करोड़ रोजगार खटाए हैं इन्होंने। जब इन्होंने नोटबंदी की तो 50 लाख रोजगार सिर्फ नोटबंदी के जरिए खटे। शहरों में नोटबंदी के जरिए घटाए, गांव में मनरेगा को कमजोर करके खटाए। दुकानदारों के लिए इस तरह की उन्होंने टैक्स जीएसटी का खूब ताम झाम से इसकी क्या असर पड़ा। तमाम दुकानदार परेशान हैं, कहते हैं हम दुकान बंद करना चाहते हैं क्योंकि हमें इतनी उलझन में डाल दिया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम टैक्स लेते रहे टैक्स। यही हालत पूरे देश की है। जब ये लोग प्रचार करते हैं तो ऐसे लगता है कि जाने कितना विकास किया है इन्होंने 5 सालों में, कि 60-70 सालों से कुछ हुआ ही नहीं है इस देश में। मैं जहाज से गोरखपुर जा रही थी, लखनऊ से जहाज में बैठी थी, जहाज रुका, 70 सालों में इन्होंने किया क्या? तो मैं उठी, मैंने कहा भाई साहब मंदिर की सदा नहीं, अगर 70 सालों में कुछ नहीं किया होता तो आज आप इस हवाई जहाज में नहीं उड़ते दिखते। तो यही असलियत है। असलियत है कि जो असली विकास का कार्य हुआ है कांग्रेस की सरकारों ने किया। असलियत ये है कि कांग्रेस मिटा देंगे। फिर क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ बन गए कि उन्होंने खुद तय कर लिया कि राफेल का जहाज एक ऐसे उद्योगपति द्वारा बनाया जाएगा जिसने पहले अपनी जिंदगी में एक जहाज नहीं बनवाया था। 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उनको। और देश भर में जाके कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे। भ्रष्ट कौन निकला बहनों और भाइयों? भ्रष्ट कौन निकला? देश के सबसे बड़े अभिनेता भ्रष्ट निकले।